वन टन शीट्स, देखते हैं कैसे तैयार होती है वन टन शीट्स। चार सौ ग्राम फाइन फ्लोर मैदा, तीन एग्स हैं, इसकी डो बना लेंगे। हार्ड डो, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। ये सेम डो है नूडल्स के लिए, चपसई के लिए और वनटन शीट्स के लिए। इसकी डो प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और फिर इसको दो पीस में डिवाइड कर लेंगे, एक के बंटल शीट बना लेंगे और दूसरी की चपसई। चपसई भी नूडल की तरह बना के उसको फ्राई कर लेते हैं और नूडल को पानी में बॉयल कर लेते हैं। नूडल की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेना है, इतना थोड़ा बारीक कर लेना ताकि जो नूडल मशीन होती है उससे निकले। और सबसे बड़े नंबर सुन करना है, ज़ीरो होगा या वन होगा मशीन पे, तो उससे आपने पहले दफा निकाल लेनी है। फिर इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके दोबारा से निकाल लेना है और फिर नंबर ऊपर करते जाना है। पल्टन शीट के लिए सबसे बारीक तक जाएंगे, लास्ट नंबर सात या आठ जो उसका नंबर होगा। और नूडल या चपसई के लिए तीन नंबर से शीट बना के आगे काट लेंगे। इनको जब कट करेंगे, शीट जब हो जाएंगी, तो कट करने से पहले इनके दरमियान में कॉर्नफ्लोर उसको अच्छी तरह लगा लेंगे ताकि चिपके ना। इनको आप फ्रोज़न कर सकते हैं, फ्रोज़न करके एक महीने तक और फ्रिज में रख के तीन दिन तक यूज़ कर सकते हैं। चार बाई पाँच इंच, फोर बाई फाइव इंच के इसके पीसेस बना लेंगे शीट से की होंगी और उसमें मटन का जो पेस्ट होता है उसको स्टफ़ करके डीप फ्राई करते हैं या उसको स्टफ़ करके मटन सूप बनाते हैं। दूसरा जो हमारा पीस रह गया था उसको भी हम रोल करके फोल्ड करके इस तरह शीट्स बना लेंगे और उसके बाद उसकी चपसई बना लेंगे, उसके नूडल काट लेंगे और उसको फ्राइड कर लेंगे। जो हमने वन टन शीट्स के किनारे कटे थे उनको भी दोबारा से प्रेस करके उसकी शीट बना के उसको भी दोबारा से वन टन शीट्स नूडल या चपसे के लिए बना सकते हैं, वो फेंकना नहीं है। इस मशीन से आप मुख्तलिफ़ किस्म के पास्ते बना सकते हैं, लज़ानिया की शीट्स बना सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। 3 से 4 हज़ार की है ये मैनुअल मशीन। व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर
और सब्सक्राइब ये करें।